आपका स्वागत है हमारे सेपरेट टेक्निकल एनालिसिस में। हम इस हफ्ते का एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। उससे पहले मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, जो भी स्टडी और एनालिसिस है ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। ट्रेड करने से पहले जो अपनी स्टडी और एनालिसिस कर लें। तो आगे हम देखेंगे कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है इस हफ्ते के लिए, आने वाला हफ्ता जो मंडे 22nd अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, 22nd अक्टूबर का स्पेशली लेवल कैसा रहेगा उसके बेसिस पे पूरे हफ्ते का रेंज डिसाइड होने वाला है। तो निफ्टी की जो निचले लेवल से बाउंस देखा गया है 240 के आसपास से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, ये आवर्ली चार्ट पे अच्छा खासा एक पॉजिटिव सिग्नल दिखाने की कोशिश करेगा बाजार। फिर भी वीकली क्लोजिंग कंपलसरी है। कौन से लेवल से वीकली क्लोजिंग ऊपर बंद होगा तो वीकली लेवल अच्छा रहने वाला है। वीकेंड मार्केट अच्छा, पूरा वीक का मार्केट ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ जाने वाला है, ये मंडे के लेवल के बेसिस पे डिसाइड होने वाला है। तो जिस तरीके से एक्चुअली जो बाजार में गिरावट देखी गई है, ये गिरावट जनरली लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट बिल्डअप नहीं हुआ है निफ्टी के सेशन में। तो निफ्टी का जो ब्रेकआउट लेवल जो होगा वो मंडे के लिए 10,320 के ऊपर सस्टेन करे तो 10,375 वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर किसी भी कारणवश 10,350 के ऊपर निकलता है तो 10,390 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर किसी भी कारणवश 10,280 का लेवल टूटे तो 10,230 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर 250 के लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है तो हम नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो चांसेज ये है कि निफ्टी अगर किसी भी कारणवश 380-390 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो एक तरीके से निफ्टी में पूरे वीकेंड तेजी में रहने के चांसेस होगा, पूरा वीक तेजी में रहने के चांसेस होगा। वरना 10,280 के नीचे फिसलता है तो डाउन ट्रेंड का ही खतरा रहेगा। उसके लिए वीकली लेवल जो है, वीकली वोलेटिलिटी लेवल के बेसिस पे जानेंगे कि वीकली 382 मीन्स कि 10,390 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो हम इस हफ्ते 10,570 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। और लेकिन अगर 220 के नीचे फिसलता है तो 10,120 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर किसी भी कारणवश 10,120 के लेवल को टच करता है तो 10,030 तक जाने की कोशिश करेगा। और ये एक चीज़ मैं आप लोगों को व्यू शेयर कर दूं, ये जो मंथ का एक्सपायरी है 10,000 के ऊपर ही होने वाला है, तो घबराने की बात नहीं है। 10,000 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी। नवंबर सीरीज में हम 10,000 से ऊपर ही देखेंगे। तो मार्केट में 10,000 के आसपास की ये एक्सपायरी आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। लेकिन चांसेस ये है कि 400 के आसपास निफ्टी मंडे के सेशन में क्लोज होना चाहिए, और बाजार 400 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो इस हफ्ते 570-640 तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये हफ्ता बहुत ही क्रूशल रहने वाला है, एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी के व्यू से भी मैं शेयर करूंगा आने वाले वेडनेसडे ट्यूजडे के सेशन में। पहले मंडे का लेवल कैसा रहेगा वो हमने लेवल निकाला, और वीकेंड वीकली लेवल किस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होगा हुआ इसकी हमने स्टडी किया है इस वीडियो के माध्यम से। अब हम सेकंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड उभर के आया है कल के सेशन में, बहुत अच्छा खासा 25,000 के लेवल को होल्ड किया है। और अगर कल जो है 25,085 के बेसिस पे बैंक निफ्टी का जो लेवल होगा कल के सेशन में 25,170 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 25,400 तक जा सकता है। 25,250 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 390-400 तक जा सकता है। लेकिन नीचे जिस तरीके से ब्रेकडाउन होगा और 25,000 का लेवल ब्रेक करता है, सस्टेन करता है तो 967 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो लेवल टूटता है तो हम 7,850 और 780 तक जा सकते हैं। ये मंडे का लेवल है, और पूरे वीकली लेवल जो है, वीकली लेवल अगर देखा जाए बैंक निफ्टी में तो 300 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है, 25,300 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो 26,000 तक का मूव इस हफ्ते देख सकते हैं ऊपर के सेशन में।
और 24,875 का लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है, क्लोजिंग होती है मंडे के सेशन में, तो ये हफ्ता 24,375 और उसके नीचे भी फिसल सकते हैं। तो ये हफ्ता क्रूशियल होने वाला है और स्टॉक स्पेसिफिक भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा कौन से स्टॉक में तेज़ी और मंदी देखी जा सकती है। और जो भी आपका सवाल है इस वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और किसी भी स्टॉक का लेवल एनालिसिस जानना हो, वीकली एनालिसिस, तो भी मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। आगे हम देखते हैं कि रिलायंस पे वीकली लेवल कौन से लेवल के ऊपर ब्रेकआउट। रिलायंस और HDFC, हमारे जो बहुत सारे व्यूअर हैं उनका का नाम था कि रिलायंस और HDFC का लेवल एनालिसिस इसी निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियो में ही शेयर कर दिया कीजिए। तो मेरा कोशिश रखूँगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीडियो में ही मैं रिलायंस का और HDFC का वीकली और डेली लेवल शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो रिलायंस का जो लेवल है अगर देखा जाए तो रिलायंस 1108 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 1119-1124 रुपये तक जा सकता है। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो 1133 रुपये मीन्स 1133 के लेवल को टच कर सकता है, 1125 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो। वरना अगर 1095 के लेवल को ब्रेक करता है तो 1084-1077 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जनरेट होकर के आएगा रिलायंस इंडस्ट्री में। 1070 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, अगर 73-74 का लेवल टूटेगा और 70 का भी किसी भी कारण 70 का लेवल टूटे तो हम 1040 के लेवल को टच कर सकते हैं। तो वीकली लेवल अगर देखा जाए तो रिलायंस का वीकली लेवल इम्पॉर्टेंट होगा। 1120 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ये कोशिश करें 1180 और 1230 रुपये के टारगेट को टच करने का इस हफ्ते में। तो लेकिन 1080 का लेवल टूटे तो 1025 और 19 का लेवल पे आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी। तो ये एक जोन होगा 970 और 1020 के लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी। ऊपर 1230 के आसपास आता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी। ये रिलायंस का लेवल है। उसी तरीके से HDFC बैंक का अगर देखा जाए तो HDFC बैंक का भी यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई है और 1885 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से 100 रुपये ऑलमोस्ट ऊपर है। फिर भी जो लेवल है कल के लिए, मंडे के लिए सॉरी, वो 1975 और 1990 के ऊपर सस्टेन करे और 2000 के ऊपर चलना शुरू करे तो 2012-2020 के टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। और 1960 के नीचे और 1945 के नीचे स्ट्रॉन्ग वीक हो जाएगा, जिसका टारगेट 1910-1920 के हो सकते हैं। तो ये लेवल एनालिसिस फॉर बैंक और निफ्टी और स्टॉक पे रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इसी तरीके से जो भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जो भी आप सवाल जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। तो यहीं पे मैं वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। Thanks for watching this video. Okay, bye.